गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी काशी को दिया 6.25 अरब का दिवाली तोहफा, कहा देश को आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाए काशी। 220 करोड़ की 16 विकास परियोजनाएं लोकार्पित, 394 करोड़ के 14 परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा काशी के विकास में नहीं होगी कोई कमी। शहर से लेकर देहात तक ताबड़तोड़ चैन स्नेचिंग के वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4 सोने की चैन, 2 चोरी की बाइक, तमंचा और 10,000 रुपए नगद किया बरामद, भेजा जेल। मिशन शक्ति अभियान के तहत जिले की 43 चिकित्सा इकाइयों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान का हुआ आयोजन। जिलाधिकारी ने खोराबार में फीता काटकर किया अभियान का शुभारंभ। किया गर्भवती महिलाओं से अपील, कहा अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपने सभी जांच कराकर खुद के साथ 2 जिंदगियों को रखें सुरक्षित। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला नारकोटिक्स समिति की बैठक, कहा जल्द ही खुलेगा जिले में नशा मुक्ति केंद्र और नारकोटिक्स विभाग का रीजनल कार्यालय। कोरोना की दूसरी लहर की जताई जा रही आशंका, जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा इससे पूर्व की सभी तैयारियां हुई पूरी। SIC ने कहा जिला अस्पताल पहुंचने वाले लोगों को स्क्रीनिंग के बाद ही अस्पताल परिसर में प्रवेश करने की दी जाए अनुमति। लॉकडाउन के दौरान तथा गोरखपुर पहल अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले तहसील सदर के कर्मचारियों को मंडलायुक्त तथा जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित, उनके कार्यों की सराहना, दी बधाई। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बाल श्रम अनुमूलन तथा बंधुआ श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक, बाल मजदूरी पर रोक तथा बंधुआ मजदूरों की उत्थान पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल सिंह के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रतिमा त्रिपाठी, इंद्रेश प्रसाद व नरेंद्र कुमार की टीम ने बरगदवा स्थित पूजा वीट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर मारा छापा, किया 5 क्विंटल मिस ब्रांडेड मैदा व 3.5 क्विंटल सूजी सीज, कहा आगे भी चलता रहेगा ये अभियान। गोरखपुर में सोमवार को मिले 21 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 19,333। अब तक 315 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 470 हुए एक्टिव मरीज, CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए सोमवार को 6 प्रत्याशियों ने लिया पर्चा, 1 प्रत्याशी ने दाखिल किया नामांकन पत्र। और नगर निगम पार्क में जिला स्वच्छता ग्रही संघ ने दिया धरना, अपने मांगों के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को प्रेषित किया ज्ञापन, मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग।